हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का नीता जी के किचन में। आज हमारे किचन में बनने जा रहा, शाम के टाइम में बनाऊंगी चौमिन रोल। घर के ही सारा सामान रहेगा, जैसे कि सब्जियां सारा। चौमिन बस 10 रुपये का आप खरीद के लेके आइए और घर पे बनाइए। बाजार से 100 गुना अच्छा आपका चौमिन रोल घर पे बनेगा। तो चलिए बनाते हैं ये चुटकी बजाते हुए। इधर हमारा सारा सामान का तैयारी कर रहे हैं, राशन भरवा देते हैं कभी कभी। हाँ, बाकी नहीं तो खरीदना पड़ता है हमको ही। सब्जियाँ लाना पड़ता है, बोलते हैं उठाओ सब्जी। मायरा किधर है जी? तो राशन के दुकान पे। किचन में आप जब रहते हो क्या? देखे इन्हीं को पता होता है दोस्तों। आरा रोड है मम्मी वो। आरा रोड तो नहीं दे रहे हो ना? आरा रोड है ये, मैदा है ये, तो हमारा सब रेसिपी है गड़बड़वा देंगे। तो हमारे पास देखिए दोस्तों, एक पैकेट चाउमीन है, इसको देखा। एक पैकेट चाउमीन है, 10 रुपये का मिलता है हमारे यहाँ। और इसमें एक पाव मैदा मैं डाल के गूनूंगी, ठीक है। ये गूनने वाला प्रोसेस हमारे हस्बैंड जी करेंगे। तो नमक डालते हैं 2 चुटकी, बहुत दिन हेल्परी करवाए हैं। 2 चम्मच तेल डालते हैं, रिफाइंड ऑयल। और जल्दी से हम एक पतीला में पानी चढ़ाएंगे चाउमीन उबालने के लिए। यहाँ पे देखिए सब्जियाँ काट के रखे हैं, गाजर, प्याज, मिर्चा, बंद गोभी, शिमला मिर्च, 2 तरह का था हमारे पास। और आटा को, मैदा जो है उसको लगा लेंगे, मतलब नॉर्मल लगाएंगे, गीला नहीं करेंगे, ठीक है। गून लीजिए दीदी। पानी गर्म करके बैठा दिए वहाँ पे, तो मैदा नहीं गून सकते हैं? इतना काम चोरी किए होते ना तब तक हमारा शरीर बन गया होता। सही बोल रहे हैं। इसको मिक्स कर देंगे, मिक्स करने के बाद थोड़ा थोड़ा पानी डाल के गूंदेंगे। कैसा भी? कोई ना कोई रेडी रोल वाले भैया हमको काम दे ही देंगे, समझे? रेडी वाले? हाँ, कोई ना कोई तो दे ही देगा भाई। पानी गर्म हो गया दोस्तों, हाथ से ना छुए। अब इसमें डालेंगे रिफाइंड ऑयल, 1 से 1.5 चम्मच डालें, ज्यादा डालने की जरूरत नहीं है। अब यहीं पे डालेंगे हम अपना चाउमीन। ये देख रहे चाउमीन वाला भैया, इसके साथ एक तो जड़ी बूटी देते हैं। तो ये जाएगा चाउमीन, ये है जड़ी बूटी, चाइनीज सॉल्ट। चाइनीज सॉल्ट गूंद के रख देते हैं इसको ढक के। इधर हम भी उबाल के रख लेते हैं चाउमीन। तो जैसे ही एक उबाल आ जाए आपको गैस को कर देना है बंद और अच्छा से इसको छान। ठंडा पानी से धो लिए। एक कढ़ाई में रिफाइंड ऑयल डालेंगे 2 से 3 चम्मच। रिफाइंड ऑयल गर्म हो गया, इसमें डालेंगे मिर्चा, अच्छा से भूनेंगे। फ्लेम हाई रहेगा दोस्तों, यहाँ पर डालेंगे रफली कट, यहीं पर डालेंगे 1/2 छोटा चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट। हमारे वो हाई फ्लेम पे भूनेंगे, हाई फ्लेम पे सब्जियों को ना हम 2 से 3 मिनट भूने हैं। यहाँ पे लाल तीखा मिर्च हम थोड़ा सा डालेंगे, 1/2 छोटा चम्मच से कम। साथ ही में डालेंगे मैगी मसाला, यहाँ पे डालेंगे हम ये रेड चिली हल्दी, रेड चिली सॉस 1 चम्मच के जितना, ज़्यादा नहीं डालेंगे क्योंकि हमारा रोल भी ज़्यादा नहीं। ये ग्रीन चिली सॉस 1 चम्मच, थोड़ा सा सोया सॉस भी डाल लेते हैं यहीं पे, 1 चम्मच जितना विनेगर भी। साथ ही में जाएगा ये चाउमीन और रेगुलर नमक और चुटकी भर चाइनीज नमक। ये पता नहीं चाइनीज नमक क्यों डालते हैं भाई। और हाई फ्लेम पे भून डालेंगे दोस्तों, आपका रोल है इसको भून डालिए। चाउमीन वाले चाउमीन ले लो। तो यहाँ पर देखिए हमारा मैदा बिल्कुल अच्छा से सेट हो चुका है, तो इसका छोटा छोटा पेंदा काटेंगे। तो सूखा मैदा लिए हैं, छोटा छोटा पेंदा काटेंगे।
लाइट गई, खाते रहो रोल। ये देख रहे हैं, इसको बढ़िया से बेल लेंगे, पतला रोल बेलेंगे, ठीक है। सीट रोल बोल रही हूँ, सीट को पतला तैयार करना है दोस्तों। ज्यादा इसको उठाइएगा तो ज्यादा श्रिंक करेगा, ज्यादा नहीं उठाइएगा। हाथों को थोड़ा राउंड घुमा के, कोकोनट में लस्सी मिला के, देख लीजिए दोस्तों, सीट हमारा एकदम बिल्कुल पतला तैयार हुआ है। ये देख रहे, एकदम पतला, इतना पतला कि मैं बता नहीं सकती, इससे ज्यादा पतला नहीं कर सकती। इधर चूल्हा जलाई हूँ, इसी पे डाल लेते हैं, आप नॉन स्टिक भी ले सकते हैं, ठीक है। ऐसे ही हम सारा बेलेंगे, इधर थोड़ा सा सीख जाएगा एक तरफ से तो पलट देंगे, और बस इस दोनों साइड से हमें थोड़ा थोड़ा ही सेकना है, ज्यादा नहीं सेकना है। मैं आपको एक सेक के दिखवा देती हूँ कि कैसा होना चाहिए सीट हमारा। ये देखिए, सीट इज रेडी। ज्यादा इसको सेक दीजिएगा तो रोल होने में दिक्कत होगा, तो सीट हमारा कंप्लीट है। ऐसी मैं सारा सीट बना रही हूँ दोस्तों, बहुत गर्मी हो रही है किचन में, अब तो मन कर रहा है कि 10 रुपए का खरीद के खाना ही सीट। सारा सीट को एक के ऊपर एक ही रखिएगा कि भाप से ये नरमी नमी रहे इसमें। रोल के साथ खाने के लिए ना एक चटनी बनाएंगे। आधा घंटा पहले हम मिर्च को भिगो दिए थे, जो ये मसाला वाला मिर्च है जो रेगुलर हम लोग खाते हैं। आधा टुकड़ा शिमला मिर्च लिए है, और आधा इंच का अदरक है, 2 कली लहसुन है, 1 टमाटर है। इसको बारीक काट लेंगे टमाटर को, हम तो अपना काम कर रहे हैं। पाव मैदा में 120 रुपया का रोल ना, तो ये तो हम लोगों के तरफ सस्ता है, और जगह तो महंगा ही होगा, 50 का भी मिलता होगा। उनका सीट इतना हेवी नहीं होता है। सारा सीट बना लिए है, मैदा में ना थोड़ा सा हम पानी डाल के इसका मोटा एक घोल तैयार करेंगे, ठीक है। ज्यादा पतला भी नहीं, ज्यादा मोटा भी नहीं, चिपकाने के लिए। वैसा ही बन गया हमारा लेज। अब देखिए, ये हम सबसे नीचे वाला सीट को निकालेंगे। अब हम करते हैं इसको अपना फिलिंग। फिलिंग के लिए इधर हमारा ठंडा हो चुका है चौमिन। ये देखिए दोस्तों, 10 रुपये का 3, तो थोड़ा ना सेंटर में रखिएगा, बीच से इधर वाला थोड़ा ज्यादा जगह रहने दीजिएगा, और थोड़ा किनारे पे, ठीक है, सेंटर में नहीं, थोड़ा किनारे पे। इधर ज्यादा रहेगा, इधर कम जगह रहेगा। और ये जो किनारा है ना, इस पे हम लगाएंगे अपना मैदा का घोल, ठीक है दोस्तों। इस पे भी लगाएंगे मैदा का घोल, इस तरीके से लगा दें दबा के, और उसके बाद आपको कुछ नहीं करना है, इसको चिपका दीजिए, यहीं पे चिपका दीजिए, इसको भी यहीं पे चिपका दीजिए। अब इसको फोल्ड कर लीजिए, ठीक है। आ जा रे भाई, अरे भाई तुझे रोल बनाऊंगी। ये देखिए, बस इसको ध्यान रखना है किनारे को, कि किनारे हमारा अच्छा से पैक होना चाहिए, नहीं तो तेल में खुल जाएगा तो बड़ा बुरा होगा। इसको दबा के, दबे हाथों से इसको फोल्ड कर लीजिए इस तरीके से, थोड़ा ज्यादा ही लगा दीजिएगा। ये देखिए, आपको कुछ नहीं करना है, बस आपको ध्यान रखना है कि ये जो कॉर्नर है ये खुला ना रह जाए यहाँ का। बस देखिए, ये चिपक गया, कुछ नहीं इसमें मंत्र है दोस्तों, बस आपको बस देखना है कि यहाँ से तेल ना घुस पाए हमारा रोल में, ठीक है। तो इसको आपको अच्छा से लॉक करना है ऐसे करके, और थोड़ा सा लगा दीजिएगा। वैसे तो हम फोल्ड किए हैं ये अंदर से, और इसको थोड़ा सा दबा के एक प्लेट में रखते जाइए, ठीक है। एक और भर के दिखाते हैं दोस्तों रोल, क्योंकि आप लोगों को भी इजी होगा तो बनाएंगे आप लोग, नहीं तो बोलेंगे अरे बड़ा कठिन है। ये कठिन कुछ नहीं है, बहुत ही आसान है। देखिए, आपको इधर रखना है साइड में, और ये अपना घोल लगा दीजिए, चारों तरफ लगा लीजिए। क्या याद रखोगे, ये बस
ये किनारे से चाउमीन को साइड कर लीजिएगा, फिर फोल्ड कर दीजिए, यहीं पे दबा दीजिए। यहाँ दबा देंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। फिर इधर से भी आपको उठा के इसी के ऊपर दबा देना है, ठीक है दोस्तों। थोड़ा दबा दीजिएगा हाथों से, घबराइएगा नहीं, यहीं से फोल्ड करना है, ठीक है, यहीं से फोल्ड करना है। फोल्ड करते हुए थोड़ा सा टाइट हाथ करके फिर इसको ले जाइए ये कॉर्नर तक, ठीक है। ये देखिए कैसे मैं कर रही हूँ, ये देख रहे हैं। तो सारा का सारा रोल हम ऐसे ही बना के तैयार करते हैं। तो देखिए दोस्तों, सारा का सारा रोल बना के हम तैयार कर लिए हैं। आप इसको चाहें तो जितना खाना है उतना फ्राई करें, नहीं तो आप इसको स्टोर करके फ्रीजर में भी रख सकते हैं, ये भी सुविधा है। देख रहे हैं कितना बढ़िया घर पे रोल बन गया। इधर हमारा गरम तेल हो रहा है, ये देखिए हम 2 चम्मच एक पैन में तेल डालेंगे। तो तेल गर्म है हमारा, डालते हैं ये अपना पिसा हुआ चटनी, इसमें डालेंगे थोड़ा सा गुड़, स्वाद अनुसार नमक, चाइनीज सॉल्ट और आधा छोटा चम्मच मैगी मसाला। एक दो मिनट के लिए भून लेंगे। बाजार में फूड कलर का इस्तेमाल होता है, आप चाहें तो डाल सकते हैं यहीं पे, नहीं तो आप स्किप भी कर सकते हैं। मैं यहाँ पे आधा कप पानी डाल रही हूँ, अब इसको पकाऊंगी। तो रोल हम फ्राई कर लेते हैं। तेज आंच हो गया है दोस्तों, अब फ्लेम को लो करेंगे नहीं तो हमारा रोल देख रहे हैं। दूसरा डालते हैं, फ्लेम लो है दोस्तों, लो फ्लेम पे तलेंगे, ठीक है। ये वाला तो हमारा हाई फ्लेम पे हो गया था, कोई बात नहीं। ये वाला देखिए कितना जबरदस्त लुक का टगाइस हो गया। तो लो फ्लेम पे ही तलिएगा दोस्तों, तेल गर्म होने के बाद ना लो कर लीजिएगा आंच को, और उसके बाद आपको करना क्या है कि इसको करारा करना है, ठीक है। अच्छा से जब क्रिस्पी हो जाए आपका रोल तो निकाल ले दोस्तों। इधर हमारा तेल निचुड़ रहा है, दूसरा हम रोल डाल ले रहे हैं। अब एक प्लेट में हम अपना रोल को रख लेते हैं, हमारा जरूला रोल, लेकिन जला नहीं है, ठीक है, थोड़ा सा लग गया है, कोई बात नहीं दोस्तों, लेकिन ध्यान दीजिएगा आप लोग भी। ये लीजिए, अब ये जो डाले हैं ना एकदम लो फ्लेम पे इसको तलते रहिएगा। ये देखिए, तो चटनी करते हैं बंद, ठीक है। बंद करने से पहले हम थोड़ा सा ही चटनी बनाए हैं, ठीक है, क्योंकि थोड़ा सा रोल है, उसमें डालेंगे थोड़ा सा धनिया की पत्ती और चटनी इज़ कम्प्लीट। देख रहे हैं दोस्तों, ये वाला रोल भी बहुत ही बढ़िया क्रिस्पी हो रहा है, ये देखिए कितना बेहतरीन तैयार हो रहा है। अब इसको भी निकालने की बारी आ गई है, टच ना करें हाथ से, पकेंगे तो फिर पेट में कब जाएंगे। तो रोल भी तैयार है, चटनी भी तैयार है। तो दोस्तों आप चाहें तो इसको साबुत भी इस तरीके से चटनी लगा लगा के खा सकते हैं, ठीक है, ये देखिए। नहीं तो बाजार में जैसा बिकता है, बाजार में कटिंग करके मिलता है, ठीक है, इस तरीके से कटिंग कर ले, ये देखिए। मैं कलर नहीं डाली थी चाउमीन में, इसलिए आपको थोड़ा कुछ बाजार वाला लुक नहीं दिखेगा, लेकिन आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। देख रहे हैं कितना ज़बरदस्त भेजी हमारे हैं। तो बाजार वाले लुक में सर्व करते हैं आपको। चाकू बोल रही हूँ कि मेरे को चाकू दे दीजिए, बहुत राइल चाकू है। तो दोस्तों 2 पीस मैं काट दी हूँ। अब म्यूनिस भी है ना जी हम लोगों के पास, म्यूनिस भी ले आइए। तो दोस्तों ये रहा म्यूनिस और ये रहा हमारा रोल। कैसा लगा, जोड़ का झटका हाई धीरे से लगा, हाई लगा, ये लीजिए दोस्तों। आप लोग भी आ गए क्या लाइन में? बन के तैयार हो गया है। ये स्प्रिंग रोल बनाना बेहद आसान है, जब मर्जी करे आप जब बनाइए। आप कब बना रहे हैं बताइएगा कमेंट बॉक्स में। इस तरीके से कम खर्चा में बना सकते हैं अपने घर पे रोल, अपने देख रेख में, मतलब जला हुआ तेल भी नहीं खाने को पड़ेगा आपको, और ऐसा रोल मिले तो बात ही क्या है ना।
होता है। मैं इसमें फूड कलर वगैरह कुछ नहीं डाली, बस थोड़ा सा अजीनो मोटो है, अगर चाहें आप तो उसको भी स्किप कर सकते हैं, बिल्कुल हेल्दी हो जाएगा रोल। जब भी आपका दिल करे तो क्या करेंगे, घर पे बना ले फटाफट, सब्जियां लाए, चाउमीन लाए, बना ले। तो चलिए चलते हैं इंजॉय करने, क्योंकि हमारे तो बच्चे भाई टूट पड़ेंगे।